फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है पंजाब से। पंजाब की एक बड़ी खबर, अमृतसर में भी शुरू हुआ हवाई सेवा का संचालन। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों के लिए उड़ानें अमृतसर में भरी गई हैं। दिल्ली, जयपुर, पटना के लिए अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ानें भरी गई हैं, तो अमृतसर में भी हवाई सेवा शुरू हो गई है। दूसरे राज्यों से भी अमृतसर हवाई अड्डे पर उड़ानें पहुंची हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर से आपको बता रहे हैं, पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर, जहां पर हवाई सेवा शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों के लिए यहां से विमानों ने उड़ान भरी, और आपको बता दें इनमें दिल्ली, जयपुर, पटना के लिए उड़ानें भरी गई। साथ ही साथ कई और राज्यों से भी यात्रियों को लेकर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया। तो कई राज्यों के लिए देश भर में हवाई सेवाएं खोल दी गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह फैसला लिया था, और इसी के चलते अलग अलग राज्यों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। अमृतसर से भी कई राज्यों के लिए उड़ानें भरी गई। जजवीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जजवीर, हवाई सेवा शुरू करने के बाद अमृतसर से भी हवाई परिचालन शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल भवेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हम मौजूद हैं अमृतसर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर। आपको दिखाना चाहेंगे गुरु रामदास हवाई अड्डे पर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि लंबे समय के 2 महीने के बाद जो है हवाई उड़ाने जो है वो यहाँ से शुरू कर दी गई थी। कल भी जो है जयपुर से फ़्लाइट, पटना साहिब से फ़्लाइट और अमृतसर से जो फ़्लाइट है वो दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना भी की गई है, और वहाँ से जो है वो फ़्लाइटें यहाँ पर आई भी है। 6 फ़्लाइटें यहाँ से गई है और 6 फ़्लाइटें वहाँ से आई है। टोटल 12 फ़्लाइटें जो है वो कल यहाँ पर पहुँची थी, और बॉम्बे की जो फ्लाइट है उसको रद्द कर दिया गया था। इस समय आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो है फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, और यहाँ से एक फ्लाइट जो है वो दिल्ली के लिए भी जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसेंजर 2 घंटे पहले जो है यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर हवाई सेवा जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें लोग कम्फर्ट महसूस करते थे, लेकिन उसी अभी यहाँ पर जिस तरह की जो नई गाइडलाइंस दी गई है, जिस तरह की यहाँ पर नई व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि जितने भी पैसेंजर हैं उनको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद जो है वो बाहर से ही पहले उन्हें अंदर एंटर करवाया जाएगा, उसके बाद उनका जितना भी लगेज है वो बिना टच किए हुए उसको भी सैनिटाइज यहाँ पर करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक आने जाने वाले के ऊपर जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको जो है वो बाहर से ही जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ से ही उनको जो है थर्मल स्कैनिंग करने के बाद अंदर के लिए जो है वो छोड़ा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर उनका जितना भी लगेज होगा उसको भी जो है वो सैनिटाइज करने के बाद जो है वो यहाँ से अंदर भेजा जाएगा। और आरोग्य जो सेतु ऐप है वो इनके मोबाइल पे पहले से ही होगी। अगर किसी के पास ये ऐप नहीं है तो उसे हवाई सेवा जो है वो नहीं कर पाएगा, और अगर किसी के पास कोटी की पैड वाला छोटा मोबाइल फ़ोन है तो उसे क्लेरिफिकेशन सेट जो है वो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। इस ऐप से ये पता लग पाएगा कि आपके आसपास का जो एरिया है या कोई आपके आसपास में जो व्यक्ति है वो कहीं कोरोना वायरस संक्रमण का जो मरीज तो नहीं है, या किसी तरह के लक्षण उसमें तो नहीं पाए जा रहे। कह सकते हैं कि पुख्ता जो इंतजाम है वो एयरलाइंस की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जितने भी आने जाने वाले लोग हैं यहाँ पर उनको जो है वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो पुलिस बल को जो है वो तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है गाड़ियों की लंबी कतार जो है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये वो गाड़ियाँ लगाई गई हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से अगर आ रहा है तो उसको जो है क्वारंटाइन करने के लिए ये गाड़ियां जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर खड़ी की गई है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी जो है वो पैसेंजर को ना हो, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं। उसके अलावा भी अंदर अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी यहाँ पर काफी अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि अंदर जाते ही जैसे ही पैसेंजर अंदर जो है एंटर करेंगे उसके बाद कई जगह पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। उसके अलावा जितने भी उनके फॉर्म है वो चेक किए जाएंगे और एक एक डिटेल उनसे ली जाएगी कि ये जो यात्री यहाँ से पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस संक्रमण किसी के टच में तो नहीं है। एक एक फॉर्म में एक एक जानकारी जो है वो यहाँ पर ली जाएगी। कह सकते हैं कि जो सबसे आरामदायक जो सफर था वो एयरलाइंस का माना जाता था, लेकिन आज जो एयरलाइन के सफर में है जो काफी लोगों को कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है, लोगों को काफी सुरक्षा को देखते हुए जो है वो यहाँ पर एयरवेज की तरफ से यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार जो स्टेट टू स्टेट जो है वो अलग अलग
जिस तरह की उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं, जैसे पंजाब में 14 दिन के क्वारंटाइन करने की बात की गई है, कहीं ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्टेट है जो जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी के लिए यहां पर गाड़ियों की एक कतार तैनात की गई है कि जो लोग बाहर से पहुंचेंगे अमृतसर उनको सीधे ले जाकर क्वारंटीन किया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर इसको लेकर क्या अलग से बनाए गए हैं और क्या आसपास ही इन क्वारंटीन सेंटर को की व्यवस्था की गई है, किस तरह के इंतजाम आते हैं? जी बिल्कुल भवेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो अमृतसर में भी काफी क्वारंटाइन सेंटर जगह जगह पर बनाए गए हैं और यहाँ पर एक सुविधा ये जो है वो पैसेंजर को दी गई है कि अगर क्वारंटाइन सेंटर अगर होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है, अगर ये क्वारंटाइन अगर किसी होटल में होना चाहते हैं यात्रु तो उनके लिए उनको जो है अपनी जेब खर्च से जो है चार्ज देना होगा, जिसके चलते क्वारंटाइन सेंटर तो बनाए गए हैं लेकिन उसका जो खर्च होगा वो पैसेंजर को देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हर जगह पर जो है क्वारंटाइन सेंटर अमृतसर में बनाए गए हैं और बाहर जो है बसें यहां पर जो है रेडी रखी गई हैं कि जैसे ही जो यात्रु बाहर से आता है उसकी पूरी डिटेल ली जाएगी, उसके बाद जो है उन्हें बसों में बिठाकर क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जाएगा, अगर कोई ज्यादा अगर किसी में लक्षण पाए जाते तो उसी समय यहां पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा उन्हें जो है वो जो है उसी समय आइसोलेशन वार्ड पर जो है वो भर्ती करवाया जाएगा। यहां पर फिलहाल आपको दिखा दें कि यहां पर जो एयरपोर्ट के बाहर से ही प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, फ्लोरिंग मार्किंग यहां पर की गई है सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए, यहां से ही जो लोग वो यहीं से शुरुआत जो है यहां से ही हो जाती है। आप देखना चाहेंगे कि देखिए यहां पर फ्लोरिंग मार्क की गई है कि कैसे कैसे जो लोग हैं वो किस तरह से इस मार्क के जरिए जो है वो सोशल डिस्टेंस जो है रखते हुए जो है वो अंदर जो है वो यहां पर जो है एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करने के बाद अंदर भी काफी लंबी प्रक्रिया है कि एक एक फॉर्म एक एक डिटेल आपको देनी होगी, उसके अलावा भी आरोग्य जो सेतु ऐप है उसके थ्रू भी आपको जो है वो अच्छी तरह जानकारी देनी होगी। कुल मिला के कह सकते हैं स्क्रीनिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग यहां तक कि आरोग्य सेतु ऐप की भी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई कोताही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।